तो बरियारी दिन में हो जाई भारी मेरे साथ लोग इतना कांड किया है ना मेरा विश्वासी लोग मेरे साथ इतना घात किए कि अभी किसी पे भरोसा करने में मेरे को डर लगता है मैं इस बात को खुलासा कर रहा हूँ उस ट्रैक को गा करके नीरज निराला जी का नाम मिला उसी ट्रैक को सनी कुमार सनिया का फर्स्ट ट्रैक और कंपनी की साजिश वाली बात सच्चाई बाबू मैं इसमें बिल्कुल सनी कुमार सनिया को उस गीत को बंद कर दिया गया उसी टीएफ कंपनी ने और नीरज निराला को गाना को आया। और देवी गीत के साथ साथ मेरा एक ऐतिहासिक गाना है बम का गाना है जो पंद्रह साल से आज भी गाना बसता है सावन में कौन सा है थोड़ा बताइए? अरे तो एक आध गाना तकरीबन तक तीसन गाना मेरा बहुत बड़ा बड़ा हिट है तो छोटा छोटा बता दी जो हिट था उसका नाम लेके बता देखिये अरे घाव जी ही रे दाते ली हले राजा जी ये गाना बड़े भैया मनोज तली भैया का जीवन का पहला गाना हमें दिए और पहला ही गाना ब्लॉक में बजा और कोई गाना इसके बाद एक गाना था कि अरे एगो लागल ना ही हुक दूसर हो गई सकेत तारा चोली खातिर भैनी परेशान चोली एक कदी का दुकान रानी चोली एक कदी का दुकान एक और गाना था कि पापा मौसी पमारे पा लाइन आज मम्मी से जाके बताई कि राजा रिमोट से लईका का करा दो, माई बन के मन करेला तमाम देवी गीत बोलबम बहुत सारा गाना एक है एक आधा भोजपुरी में आधा से ज्यादा लोग जाति के नाम पे चल रहे हैं उन लोगों का गाने का लुर नहीं है लेकिन जाति का सपोर्ट है देखिए बुरा लगने की बातें नहीं आप तो जानते हैं कि जो इंसान टैलेंटेड होता है तो उस इंसान को दबाने के लिए एक कहावत है भोजपुरी इंडस्ट्री बस देखने के लिए बस एक लोग बोलते हैं कि सब एक परिवार है एक लोग मिल कर सब रहता है एक दूसरे का सपोर्ट करता है लेकिन अंदर की जो बातें हैं ना एक दूसरे से लोग देख के जला उन लोग के मन में रहती है फिर से भोजपुरी में आग लगाऊँगा कि अरे मुर्गा सवारी लेके माई के चलल बाटे मुर्गा सवारी लेके माई के चलल बाटे दूरे से करता टे कुकु हो कु कुकु हो कु, 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 कु सायर माई के सवारिया कुकु हो कु कु, 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 कु। नमस्कार दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ आपके अपने चर्चा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में और आज आपके अपने स्टूडियो में भोजपुरी के सुपरस्टार आए हैं जी हाँ दोस्तों जरा ध्यान से देखिए इनको इनके करियर का पहला गाना आपने जरूर सुना होगा जरूर देखा होगा और अगर आपने नहीं देखा है तो आज आप सुन भी लेंगे और इन्हें देख भी लेंगे बचपन के स्टार रह चुके हैं ये सुपरस्टार रह चुके हैं आज जो भोजपुरी इंडस्ट्री में चाहे खेसाई या लाल यादव जी की बात करिए चाहे रितेश पांडे जी की बात करिए चाहे अंकुश राजा जी की बात करिए चाहे समर सिंह की बात करिए और भी ऐसे तमाम कलाकार हैं जब इनका कोई अस्तित्व नहीं था भोजपुरी में कोई नाम नहीं था तब ये बजते थे और लगातार बजते थे हर घर में बजते थे जब तक इनका गाना ना बजे किसी के पेट का खाना हजम नहीं होता था बच्चा बच्चा इनका गाना गाता था जवान को तो आप छोड़ दीजिए इनका नाम है सनी कुमार सनिया आपको बता दूं इनका नाम थोड़ा सा मेरे लिए हार्ड हो रहा है लेकिन आपके लिए जरूर ईजी होगा इन्हें प्यार से लोग सनिया कहते हैं सनिया नाम पूरा इनका कोई नहीं लेता है आइए इनका स्वागत करते हैं और इनके बारे में कुछ चीजें जानते हैं जो चीज अभी तक आपको नहीं मालूम है भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है जी चर्चा न्यूज चैनल से जितने भी हमारे दर्शक हमारे भोजपुरी के श्रोता जुड़े हैं सभी को हमारे तरफ से बार बार अभिनंदन चर्चा को मैं स्टार्ट करूंगा मैं चाहूंगा सबसे पहले आपका वो गाना जिससे आपको प्रसिद्धि मिली ख्याति मिली जरा एक दो लाइन हो जाए ताकि लोगों को भी पता चले कि आखिर कौन से सनिया है वही सनिया है या कोई दूसरे सनिया है देखिए गाना तो बहुत सारा है लेकिन एक गाना मैं, बत, मैं सुना देता हूँ कि अरे मुर्गा सवारी लेके माई के चलल बाटे मुर्गा सवारी लेके माई के चलल बाटे दूरे से के कु, 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 कु. ये गाना मैंने पहले बार सुना था विंध्याचल धाम में ये गाना मैंने भी सुना था और मुझे नहीं पता था कि जिस व्यक्ति का गाना मैं इसमें सुन रहा हूँ उनसे मुलाकात होगी और ऐसे बैठ के हम लोग चर्चा करें और यकीन मानिए मुझे लगता है कि सभी धाम में यह गाना जरूर बजा होगा नवरात्र में तो गाना बजता ही सभी धाम में यह गाना इनका चलता था मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने एक से बढ़ के एक गाने दिए लगातार कई गाने यही गाना नहीं आपका कई गाना हिट हुआ और आज के टाइम पे जितने भी स्टार हैं आपके सामने बच्चे थे उस समय किसी का अस्तित्व तो नहीं था कुछ लोग गाते थे लेकिन नाम ही नहीं था आखिर क्या कारण है सानिया जी की आज वो स्टार बन गए और आपका नाम कहीं ना कहीं आपको प्रश्न हो सकता है बुरा भी लगे कहीं ना कहीं कम क्यों होता गया कारण क्या है देखिए बुरा लगने की बातें नहीं आप तो जानते हैं कि जो इंसान टैलेंटेड होता है तो उस इंसान को दबाने के लिए एक कहावत है भोजपुरी इंडस्ट्री बस देखने के लिए बस एक लोग बोलते हैं कि सब एक परिवार है, एक लोग मिल के सब रहता है एक दूसरे का सपोर्ट करता है लेकिन अंदर की जो बातें हैं ना एक दूसरे से लोग देख के जला उन लोग के मन में रहती है कि ये कलाकार है इनको आगे नहीं बढ़ने देना है आज इसमें सबसे बड़ा कमी होता है कंपनी का पहले क्या था कि देखिए कलाकार जब जो टैलेंटेड रहते जिसमें कला रहता था तो उसको दर्शक सुनते थे दर्शक का प्यार आशीर्वाद भरपूर उस कलाकार को मिलता था लेकिन कंपनी करती थी क्या कि उस समय कलाकार का इज्जत इतना था कि मतलब कलाकार को लोग सम्मानित नजरिए से देखते थे लेकिन आजकल क्या है कि कलाकार को लोग दूसरे नजरिए से देख रहे हैं जातिवाद इतना चरण सीमा पर पहुँच गया क्योंकि उस समय कलाकारी लाइन में ना जातिवाद नहीं था राजनीति लाइन में जातिवाद था लेकिन कलाकारी लाइन में कोई कलाकार को जाति देख कोई गाना नहीं सुनता था जो अच्छा गाता था जो वाकई में कलाकार होता था लोग उसको सुनते थे प्यार करते थे लेकिन आज के जमाने में अगर अच्छा कलाकार है तो लोग आपको दबाने के लिए मतलब इधर से उधर से चारों तरफ से लोग दबाने तो क्या आप ये कहना चाहेंगे आधा भोजपुरी में आधा से ज्यादा लोग जाति के नाम पे चल रहे हैं उन लोगों गाने का लुर नहीं है लेकिन जाति का सपोर्ट है लोग अपना जाद, अपना जात ये जात वो जात खींच कर लोग सब चल रहा है लोग आपके कहने के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि आपके साथ राजनीति हुई जैसा कि आप कह रहे हैं लोग कहते हैं कि भोजपुरी परिवार है लेकिन यहाँ दबाया जाता है आपको किसने दबाया अब सबसे पहले मैं क्या बोलो सबसे इसमें कमी तो सबसे पहले कंपनी का ही था कंपनी वगैरह में लोग जब अब शुरुआती दौर में ऐसा था कि लोग जात पात देख कर गाना सुनते नहीं थे गाना गाते थे पब्लिक को मनोरंजन के लिए मनोरंजन के लिए गाना गाते थे लेकिन पब्लिक को लोग को मेरा आवाज़ मेरा गाना सब पसंद आने लगे ब्लॉकबस्टर सब गाना हिट पे हिट हिट पेड होने लगा लेकिन साथ ही जो मेरे कलाकार थे जो कंपनी वाले में जो कंपनी से जुड़े थे अब वो लोग सोचे कि आखिर में इस बंदे में है क्या ना इसका कोई बैकग्राउंड से कोई सपोर्ट कर रहा है ये बंदा गा रहा है इसका ऑटोमेटिक गाना हिट पे हिट हो रहा है अब इसको क्या किया जाए ऐसे तो इसको दबाया नहीं जा सकता है कंपनी से कैसे रुकवाया जाए इनको हर जगह नहीं दिया जाए जास तरीके से ना षडयंत्र करके कंपनी के जरिए अपना मतलब जान लगा दिए लोग कि इनको आगे नहीं बढ़ने देना है हाँ। लेकिन जब तक चलता रहा रहा चलता ना दबा के चले लोग किसी के रोकने दर्शक का जब प्यार कलाकार को मिलता है ना तो किसी का षड्यंत्र उस समय काम नहीं आता है तो क्या अभी आपको दर्शकों का प्यार नहीं मिल रहा तो देखिए ऐसा नहीं है पब्लिक का ही प्यार शुरू में भी मिलता था और आज भी मिलता है तभी तो इंसान अभी तक अपना हौसला को बनाए रखा है मेहनत आज भी जारी है बस उम्मीद दर्शक से मैं यही हमेशा करता हूँ कि जैसे पहले प्यार आशीर्वाद दर्शक देते थे और आज भी दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे चल के जैसे प्यार बचपन में लोग देते थे आगे भी उससे ज़्यादा लोग तो अभी आपके प्रोजेक्ट कहां, कहां से आ रहे हैं क्योंकि पहले तो आपके लगातार प्रोजेक्ट आते थे ऐसा कोई सीजन नहीं था जिसमें आपके ब्लास्ट ना हो अभी कहां कहां से प्रोजेक्ट आपके देखने के लिए मिलेंगे अभी देखिए बहुत सारे पहले क्या था कि चुनिंदा चार पांच कंपनियां रहती थी उसी कंपनी से हम लोग आते थे लेकिन आजकल तो जानते हैं एक कंपनी हो गई दो हजार चार चैनल हो गया है तो सबसे आदमी काम कर रहा है तो अभी प्रेजेंट टाइम में दो तीन चार बड़ा बड़ा कंपनी से काम अभी हम कर रहे हैं और बहुत ज्यादा होली का भी गाना वगैरह हो लोकगीत भी बड़ा बड़ा लेवल पे त्रिमूर्ति कंपनी वगैरह है सार्केट है सबसे गाना सब सब बन रहे होली के बाद तो सब पहले अगर कंपनियां आपको सपोर्ट नहीं कर रही थी दबाने की कोशिश कर रही थी लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे तो आज के दौर पर ऐसा क्या हो गया अब कि अब आपको कंपनियां सपोर्ट करेंगी और भोजपुरी में जो लोग हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे आप कैसे करेंगे सपोर्ट देखिए रीज़न जरूरी नहीं है कि हर दौर में कुछ इंसान अच्छे होते हैं कुछ इंसान बुरे होते हैं हर कंपनी साजिश नहीं करता है कुछ लोग को लगता है कि नहीं ये कलाकार अच्छे हैं इनको मौका दिया जाए इनको सपोर्ट किया जाए ये आगे बढ़ सकते हैं इनका गाना जरूर चलेगा जब बिना सपोर्ट के ये जब बच सकते हैं तो अगर कंपनी का सपोर्ट रहेगा कुछ अच्छा काम ये करेंगे अच्छा गाना देंगे तो दोनों तरफ से मेहनत इंसान होगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव रिजल्ट मार्केट में आएगा ही आएगा तो आपने जब आपके साथ साजिश हो रही थी या आपको दबाने की कोशिश की जा रही तो उस समय क्या आपने आवाज उठाई थी जिसने आपको स्टार बनाया क्यों उनसे आपने अपनी बात शेयर की थी देखिए रीजन क्या था कि उस समय थोड़ा हम लोग छोटे भी थे ज्यादा उस समय नॉलेज वगैरह भी नहीं थी ये सब चीजें कुछ साल के बाद हम लोगों को पता चला हुँ. क्योंकि आप जानते हैं इंडस्ट्री का बात भले कोई कितना भी छुपाए इंडस्ट्री में आप रहेंगे ना तो घूम फिर के आपके तक वो बात कहीं ना कहीं से पहुंच ही जाएगी हां तब आदमी सामने कुछ बोलने की किसी का कोई वो नहीं है सामने आप किसी को कोई बोल दे पीछे से पीठ पीछे वाले लोग करता और कुछ मेरे साथ नेगेटिव ये चीज भी हो गया अब आप, बाहरी से तो लड़ सकते हैं। लेकिन जो आपके साथ रहने वाले घर वाले नहीं मेरा परिवार मेरे साथ शुरू में भी थे माँ बाप भाई सभी का सपोर्ट शुरू से रहा है और आज भी है लेकिन जो मेरे साथ जो ग्रुप के लोग थे ना वो सब मेरे साथ ना हाँ, ग्रुप का भी भी साथ, साथ ना। के राइटर दोस्त यही सब चीज है ना साथ के जो ग्रुप में जो विभीषण उसमें से निकल गए मेरे परिवार में से कोई नहीं रहा लेकिन क्या लगता है आपको अगर आपकी भी टीम मजबूत रही होती जैसे आज के टाइम पे अगर टीम वर्क की बात करें पवन सिंह की टीम देखिए कितना स्ट्रांग है खेरसाई लाल यादव की कि टीम कितनी स्ट्रांग है अगर आपकी टीम ने साथ दिया होता तो आज वही लेवल जो लाल यादव है पवन सिंह का है वही लेवल आपका होता देखिये टीम का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें क्योंकि कोई भी कलाकार अपने दम पे अकेले नहीं बच सकता है ना आगे बढ़ सकता है जब तक उसका ग्रुप नहीं बनेगा जब तक कोई म्यूजिक डायरेक्टर हो चाहे कोई सपोर्ट मेकर हो चाहे म्यूजिक लिखने वाला का राइटर हो हर चीजें एक ग्रुप बनता है तभी इंसान रेगुलर अपना काम करता है और पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं तो क्या आपकी टीम अब बन चुकी है आपके साथ में कोई ऐसा कृष्ण है जो आपके रथ को हाँक सके या फिर से वैसी चीजें होने वाली देखिए मेरे साथ लोग इतना कांड किया है ना मेरा इतना विश्वासी लोग मेरे साथ इतना घात किए हैं कि अभी किसी पे भरोसा करने में मेरे को डर लगता है लेकिन फिर भी हम बज, इतना जानते हैं कि हर इंसान बुरा नहीं होता है अगर निन्यानवे परसेंट लोग अगर बुरे हैं तो एक परसेंट जरूर इस दुनिया में होगा जो मेरा दिल से साथ देगा तो उसी बेस पे मैं काम करता हूँ मेहनत कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जैसे पब्लिक प्यारा आशीर्वाद दे के भाई को बचपन में स्टार बनाए थे जवानी में भी एक बार स्टार जरूर बनाया गया सानिया जी किसको आज के टाइम पे आज के दौर पे अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं अगर भोजपुरी में बात की जाए तो किसको कॉम्पिटिटर आप मानते हैं देखिए प्रेजेंट टाइम में तो कोई कॉम्पिटिटर अभी नहीं है बचपन में देखिए रिलेशन तो उनसे मेरा बढ़िया रहा है लेकिन आ, कलाकारी के मामले में अगर कॉम्पिटिटर मेरा शुरू में थे तो वो कल्लू थे एक प्रचलित दुश्मन नहीं है मेरे लेकिन एक होता है जैसे कौन इसके कौन भैया मैं खेसारी भाई मैं गाने में कंपटीशन चलता है तो उस समय कंपटीशन मेरा कल्लू से रहा है अच्छा। और अभी प्रेजेंट टाइम मैं किसी को अपना कंपटीटर नहीं मानता हूँ मैं खुद ही अपना कंपटीटर हूँ मैं अपने लिए मतलब बेटर से बेटर कोशिश करता हूँ कि अभी ये किया हूँ इससे बेटर आगे हमको करना है जब आप बचपन में थे तब कल्लू जी भी बचपने में थे दोनों के गाने चलते थे उनके भी बचपन में खूब गाने बजे उनके तो अभी भी बज रहे हैं उन्होंने अपने आप को सही से मेंटेन कर रखा उनकी टीम ने शायद उनको धोखा नहीं दिया तभी वहां पर है हाँ। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि वो बहुत खुश नसीब इंसान है कि उनके साथ रहने वाले उनके साथ गद्दारी नहीं किए अब मेरे साथ लोग गद्दारी किए मैं उनको समझ नहीं पाया कि वो लोग मेरे साथ रह के मेरे साथ घात कर रहे लोग कंपनी भी षड्यंत्र की उस समय किसी के गाने ऊपर लेके जाती थी बढ़ाती थी किसी का गाना जब चलने वाला था लगता था कि ये गाना हिट होगा उसको दबा दो कैसे पब्लिक के बीच भेजना है, भेजते लो नहीं लोग थे क्योंकि यूट्यूब का क्रेज बहुत कम था हाँ, यूट्यूब था ही नहीं क्रेजे छोड़ दीजिए यूट्यूब तो उस समय लोग जानता भी नहीं था कि यूट्यूब है क्या यूट्यूब तो तेरा चौदह में हाईलाइट वगैरह हुआ सात मतलब आठ हो गया नौ दस में कहा यूट्यूब का कोई हम चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे लेकिन उससे पहले आपका एकाध गाना और जो आपका गाना हिट आपके टाइम पे था वो जो दर्शकों को सुनाना देखिए गाने तो एक आध गाना नहीं तकरीबन बिशन तीसन गाना मेरा बहुत बड़ा बड़ा हिट छोटा तो छोटा बता दी जो हिट था उसका नाम लेके बता देखिए अरे चल न जाला के गोड़ लपटाला दर्द बाटे जा अरे घाव बाटे ताजा जी ओहि रे जगहिया दाँते काट लिहले राजा जी ये गाना बड़े भी हम मनोज मित्तली भैया का जीवन का पहला गाना हमें दिए और पहला ही गाना ब्लॉक मास्टर लेवल में बजा और कोई गाना इसके बाद एक गाना था कि अरे गुला गुल ना ही हुक दूसर हो गई सकेत धारा चोली खातिर भैनी परेशान चोली एक कदी का दुकान रानी चोली एक कदी का दुकान एक और गाना था कि पापा मौसी पमारे ललाई ला आज मम्मी से जाके बताई कि राजा रिमोटे से लइका कर दो माई बन के मन करेला तमाम देवी गीत बम बहुत सारा गाना है एक एक गाना गाएंगे खास तौर में ना कुछ ऐसे कलाकार आज के टाइम पे है उनके लोग गीत ही बजते हैं लेकिन आपके देवी गीत भी बहुत बजे हैं और देवी गीत के साथ साथ मेरा एक ऐतिहासिक गाना है बोलबम का गाना है जो पंद्रह साल से आज भी गाना बजता है सावन में कौन सा थोड़ा बताया अरे बोला एक था न सरिया रही में बोलत छ हरदम कटि कठिन बोल बम बोल ये सावन शिवरात्रि

शख्स है कोई आपकी टीम तैयार हो रही है कोई है साथ में देखिए टीम की रही बातें तो टीम वगैरह पहले का अलग था और अभी प्रेजेंट टाइम में टीम हमारी बन रही है और और साल साल पहले एक कंपनी 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 बहुत हाईलाइट हुई थी उस उस से से मैं जुड़ा था उस उस जुड़ने वाले हमारे बड़े भेजा शैलेंद्र सिंह भैया हैं मैं है बगल में बैठे हुए थोड़ा सा दिखा भी दीजिए हमारे कैरामैन सहयोगी हैं यही है शैलेंद्र सिंह इन्हें तो आपने चर्चा में देखा होगा हाँ जरा पास में आ जाइए जी बताइए और सच्चे इंसान मैं दिल से बोलता हूँ कि इतने सालों के बाद इंसान हमको सिलेंडर भैया यही मिले जो हमको टी एफ कंपनी से जुड़े और वाकई में दिल से बोल रहा हूँ टी एम कंपनी से जब हम लोग जुड़े तो एक दर्शक का प्यार समझे या दोनों भाई का एक लक या एक साथ हो कि हम लोग टीएफ कंपनी से काम किए और जब तक टीएफ कंपनी से हम लोग काम किए दोनों भाई टीएम कंपनी का हरेक गाना जितना भी मेरा गाना आया हुआ है सब गाने का पॉजिटिव और आपसे बात करना चाहूंगा आप तो कई कलाकारों के साथ जुड़े रहे हुए हैं क्या कहेंगे सानिया जी के बारे में फिर से रिलॉन्च हो जाएंगे देखिए सनी को रिलॉन्च करने वाला मैं ही था इसमें कोई मैं हालांकि सनी के सामने इस बात को बोल रहा हूँ और कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ जब ये एक कंपनी होती थी प्रगति म्यूजिक प्रगति म्यूजिक मैंने इसका पूरा प्रोफाइल खंगाला कोई गाने का रिस्पॉन्स उस पर नहीं दिखा मैंने बोला कि यार एक तो ऐसे धरती से विश्वामित्र की धरती से मेरा वो लोकसभा क्षेत्र पड़ता बक्सर उस धरती से और ऐसा लड़का जो कि इसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है और जो सपोर्ट करते थे जो टीम की बात आ रही है वो टीम के सपोर्टर मेरे ही जिला से यानी रोहतास जिला सासाराम के रहने वाले हैं मैं उनका नाम नहीं लूँगा इशारा इशारा बहुत बता दूँ ऐसे ऐसे लोग थी मैंने इनको रिप्रेजेंट किया एक गाना था हमार जान सुनर बाड़ू चांद से जो कि ब्लॉक पास्टर मतलब एक महीने के अंदर में अस्सी मिलियन जो गया वो व्यूज सेड सॉन्ग उसके साथ में एक और गीत था उसमें आइटम सॉन्ग जो कि उस ट्रैक को गा करके मैं इस बात को खुलासा कर रहा हूँ उस ट्रैक को गा करके नीरज निराला जी का नाम मिला उसी ट्रैक को सनी कुमार सनिया का फर्स्ट ट्रैक और कंपनी की साजिश वाली बात सच्चाई है बाबू मैं इसमें बिल्कुल नहीं सनी कुमार सनिया को उस गीत को बंद कर दिया गया उसी टीए कंपनी ने और नीरज निराला को गाना को अब्बल आया तो सच्चाई इसने बोला है और कोई नहीं बनेगा बॉस कुमार गौतम स्वर्गीय कुमार गौतम कोई नहीं बनेगा वो कलाकार के प्रेमी नहीं थे कला के प्रेमी थे आज धरती पे नहीं है लेकिन आज भी ऐसे ऐसे कलाकारों को आह निकलती है कि कहाँ गया ऐसा भगवान अब क्या प्लान है कैसे सनी कुमार सनिया जी को आप लोग आगे ले आएंगे आप क्या टीम वर्क कर रहे हैं कहाँ से प्रोजेक्ट आने वाला है कैसा प्रोजेक्ट आएगा सनी कुमार सनिया एक मेरा छोटा भाई है मेरा भतीजा है और बहुत ही अलग लेवल पे बहुत ही अलग लेवल पे जिसको मैं गोद लेता हूँ तो ढंग से अपने गोद में बैठाता हूँ और उसको एक बार फिर से चरम पर पहुँचा देता हूँ ये मैंने संकल्पित और हर बार संकल्प लेकर के हर कलाकार के लिए मैंने सपोर्ट करके और आगे बढ़ाया है एक नाम करने के नाम मैंने दिया जब भी मैंने टी में जोड़ा नाम दिया फिर एक बार बुलाया हूँ फिर नाम दूँगा जैसा कि इन्होंने कहा कि अगर इनकी टीम सही होती तो आज ये भी उस लेवल पे होते जहाँ खेसाही लाल यादव जैसे कलाकार हैं क्या लगता है आपके साथ अब जुड़ के उस लेवल तक पहुंच पाएंगे मैंने क्या बोला कि मैं कला के प्रेमी हूँ कलाकार के प्रेमी नहीं हूँ और एक कला है इस लड़के के अंदर माँ सरस्वती का वरदान है पुनः एक बार फिर से वही आग लगाऊंगा जो आग सिलेंदर का आपने देखा होगा जो इतिहास रही है कि सिलेंदर जी जिस कलाकार के साथ में जुड़ते हैं तो अलग एक आग लगाते हैं तो चली रही है उसमें अलग पेट्रोल पेट्रोल और डालता जाता हूं। तो पेट्रोल ये डालता। तो ये बात सच है जिसके साथ ये जुड़ते हैं टीम फिल्म्स कंपनी का जब कोई भी साथ नहीं था तब तो शैलेंद्र जी ही थे जो मार्केट में घूम घूम के प्रचार कर रहे थे बता रहे थे कि फलाना नाम की कंपनी कोई आई है और बहुत ही कम समय में उसने अपनी ऐसी रफ्तार पकड़ी थी कि बड़ी बड़ी कंपनियों को टक्कर दे रही थी हालांकि अभी ये उसका हिस्सा नहीं है जो भी है उसमें हम फिर कभी चर्चा करेंगे लेकिन अभी सानिया जी को रिलॉन्च कर रहे हैं शैलेंद्र सिंह जी अब देखना यह है कि अब किस तरीके से ये आगे अपना प्रोजेक्ट लेके आएंगे और जिस तरीके से आपने इन्हें बचपन में ही जो लोग कई वर्षों की तपस्या के बाद भोजपुर इंडस्ट्री में अपने नाम के आगे स्टार लगा पाते हैं ये बचपन में ही अपने नाम के आगे स्टार लगवा चुके थे अब वही स्टार्टअप क्या फिर से इनका देखने के लिए मिलेगा वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है जाते जाते सबसे पहले आप क्या कहेंगे जनता को मैं बता दूं जी सानिया सेन हो गई हाँ, हो गई के इस नाम मूवी है हो गई और आ, ये खुद ही गोरखपुर के, अच्छा। तो तो के प्रोड्यूसर है, है? है, है, है प्रमोद भारती जी अच्छा। उन्हीं के बैनर तरीके पी के साइन प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन उसी के नाम से मतलब बहुत जल्दी इसका ट्रेलर वगैरह आर्या डिजिटल चैनल पे आ भी चुका है और जल्द रिलीज होगा अच्छा ट्रेलर आ भी चुका है हाँ आर्या डिजिटल चैनल पे आ चुका है आप लोग सर्च करके सुनिए सनी कुमार सनिया और फिल्म का नाम डालिए सनिया उगे आप सबको गाना सुनने को मिलेगा जाते जाते आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे अपने लिए आज बस यही बोलूंगा कि आप लोग जैसे सनिया को शुरू से प्यार देते आ रहे हैं कैसेट के जमाने से प्यार देते आ रहे हैं तो आप लोग आज के ज़माने में आइए यूट्यूब पे सनी कुमार सनिया लिखिए और बहुत बढ़िया बढ़िया गाने जैसे बचपन में हम आपका बेटा गाया था इस समय बहुत बढ़िया बढ़िया गाना गाए हुए हैं हम सनी कुमार सनी अली के यूट्यूब पैनल पर सुनिए और हर गाने को जैसे प्यार देते हैं इस ये सब सभी नए जनरेशन का जितना भी लेटेस्ट गाना सबका सब गाने को प्यार दीजिए आप लोग जी ज़रूर ये नाम के मोहताज नहीं है लेकिन इनका चेहरा थोड़ा चेंज हो गया है लेकिन नाम वही है सनी कुमार सनिया आपका वही सनिया जिसके गाने घर घर में बजते थे और अभी भी बजते हैं हमारे क्षेत्र में तो बचते हैं आपके क्षेत्र में अगर बचते हैं तो कमेंट करके बताइएगा इनका चेहरा थोड़ा चेंज हो गया है हम बीच बीच में इनकी पुरानी तस्वीर लगाएंगे पहचानने के लिए ताकि आप पहचान लीजिए बाकी शैलेंद्र जी इनके साथ जुड़ गए हैं और सच में कहा कि अगर ये बारूद कोई मिल जाए तो ये माचिस हैं चिंगाई लगाना इनका काम है तो इनके साथ अब क्या करना है आपके ऊपर डिपेंड करता है बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो में आए दिल से धन्यवाद और भैया आपका धन्यवाद कि आप भी जुड़े इसके तहत दिल शुक्रिया और एक बार फिर से मैं बोल दूँ कि आग जल रहा है चिंगारी निकली हुई है पेट्रोल सिलेंडर आ गया है पेट्रोल छिड़केगा फिर से भोजपुरी में आग लगाऊंगा और सनी उस टाइम बच्चा था सनिया सियान हो गई सनिया सियान के लेके आवा तनी और वही फिर से दमंगई हम चाहे एक बार सनी एगो दमंगई गीत तो बड़ा अच्छा गीले बने दो लाइन को तत्काल में बताया कि तत्काल में एगो एडी म्यूजिक वर्ल्ड से गाना बाटे है और गाना के काफ़ी प्यारा सब इंस्टाग्राम से ले ले फेसबुक ले हर जगह से प्यार मिला था गाना के बोल कि देबुना दिलावा तो होई बरियारी दिन में कंड आज हो जाई भारी चल कल हमारा से प्यार हो गाना डुएट है और शिल्पी राज्य का लाइन है कि माफिया मजनुआ हो हमार ए बाबू चले ओकर सरकार हो जाने पूरा यू बिहारे बाबू चले ओ करे सरकार हो और ऐसे गानों की डिमांड भी बढ़ती जा रही है धीरे धीरे ये कहाँ से आया भैया ये गाना एडी म्यूजिक वर्ल्ड से आया हुआ है तो गाना आप लोग एडी म्यूजिक वर्ल्ड सनी कुमार सनिया माफिया मजन हुआ सॉन्ग लिखिए और गाने को सुनिए आप प्यार दीजिए आप चलिए बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया और कमेंट करिए कि अब जवान हो गई सनिया के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे प्लीज़ कमेंट करिए और इन्हें सपोर्ट करिए और ऐसे अगर आप सपोर्ट करेंगे तो आपका जो छोटा सा स्टार था बड़े में भी आपको स्टार दिखेगा बहुत जल्दी दिखेगा बहुत बहुत शुक्रिया बह धन्यवाद